हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट एएसटीसी रूल, मींस हाउ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस इट्स साइन इन द डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। दैट थिंग आई टोल्ड यू, ओके? सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इन अदर वर्ड यू कैन से टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी the variation in the values of different trigonometric ratio in the different quadrants, okay? So before starting that topic, I want to tell you few values in degree and few values in radians, okay? Student, in class 10th, when you have studied the values of trigonometric function, so that values you have studied in degree, not in radian. Jaise 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. So whatever angle you know, which will be in degree in 10th class. 10th class में आप जितने भी angle जानते थे वो किस में जानते थे? Degree में। अब जब आपने 11th में पढ़ा तो you know how to convert degree into radian or radian into degree. Okay? So there are few values which you should remember. Okay? Like 0 degree is equal to 0 radians. ओके, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। तो ये जो सारी वैल्यूज है ना डिग्री और रेडियन में, आपको डिग्री में भी पता होना चाहिए, रेडियन में भी पता होना चाहिए कि 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं? पाई बाय 6। 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं? पाई बाय 4। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे आया, तो आपको पता है ऑलरेडी डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था ना, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई अपॉन 180। और जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 अपॉन पाई। तो ये कन्वर्जन आप निकाल भी सकते हो कि कैसे आ रहा है, कि कैसे 30 डिग्री पाई बाय 6 के बराबर है, कैसे 45 डिग्री पाई बाय 4 के बराबर है, कैसे 60 डिग्री पाई बाय 3 के बराबर है, कैसे 90 डिग्री पाई बाय 2 के बराबर है। आपको दो वैल्यू और याद रखनी है, लाइक 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। 180 डिग्री बताया था ना आपको मैंने कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने एक स्टेटमेंट आपको लिखवाया था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये स्टेटमेंट मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था। तो 180 डिग्री को रेडियन में कितनी वैल्यू होती है? पाई। सिमिलरली 270 डिग्री इज नोन एज 3 पाई बाय 2 एंड 360 डिग्री इज नोन एज 2 पाई। तो ये सारी वैल्यूज स्टूडेंट आपको याद होनी चाहिए, डिग्री में भी याद होना चाहिए और रेडियन में भी पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इन रेडियन, सो यू विल से पाई बाय 4। What will be the value of 180 degree in radian? So that value will be pi. What will be the value of 360 degree in radian? To 2 pi. ठीक है? तो ये basic है, इतना आपको पता होना चाहिए। आपने 90 तक तो पढ़ा था, 90 degree तक आपने पढ़ा था, इस बार और तीन extra पढ़ लिए, 180 degree, 270 degree and 360 degree. कहने का ये मतलब है, अगर आपको degree से radian में convert करना आता है, तो आप कोई भी डिग्री और रेडियन मेजर्स निकाल सकते हो, ठीक है? लेकिन ये सारी चीज आपको याद रहनी चाहिए कि अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इन रेडियन, तो पाई बाय 2, ठीक है? ये पहले आप ये लिख लो। ये इसलिए छोटा सा टॉपिक मैंने पहले बता दिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी जो हम बताने वाले हैं आगे, ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? दोनों चीजें सेम ही है, बस एक डिग्री में है और एक रेडियन में है। 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 6 लिखते हैं, 45 को पाई बाय 4 लिखते हैं एंड सो ऑन, ओके? तो पहले आप ये सारे लिख लो। नाउ स्टूडेंट्स, our next topic is variation in the values of trigonometric ratios in different quadrants, okay? means variation in the values मतलब कि अगर कोई trigonometric ratio different different quadrant में पड़ेगा तो उसके values में क्या variation आएगा, ठीक है?
अब देखो स्टूडेंट, व्हेन यू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 10th, ओके, व्हेन यू हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 10th, सो यू नो द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप टू 90 डिग्री ओनली, ओके, ओनली 90 डिग्री यू कैन फाइंड द वैल्यूज, क्योंकि आपको केवल 0 से लेकर 90 तक ही वैल्यू पता था, ठीक है। बट 11th में हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर 360 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो करना कैसा है इसको देखिए, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ओके, जैसे हम लोगों ने साइन में किया था, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किया था, वैसे ही इसमें भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस मीन्स जिसका रेडियस 1 हो, यूनिट रेडियस को बोलते हैं यूनिट सर्कल भी, समझे। अगर कहीं लिखा हो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, इट मीन्स दैट यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 1 रेडियस, 1 यूनिट रेडियस, ओके। तो पहले मैंने क्या किया, एक सर्कल यूनिट रेडियस का ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नाउ सपोज क्या किया मैंने, पहले एक्स वाई एक्सिस बनाया, और जैसे उसमें किया था ओ को सेंटर मान के, ये ओ है हमारा ओरिजिन, ओ को सेंटर मान के एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले मैंने सर्कल बना दिया था, पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे, फिर ओ को सेंटर मान के 1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है। 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे, तो सपोज जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो दो पार्ट पे कट करेगा, दो पार्ट, दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे और दो पॉइंट पे वाई एक्सिस पे, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। और यहाँ पे सर्कल का रेडियस कितना है स्टूडेंट, आर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, आर 1 यूनिट है। अच्छा, इसको देख के बताओ आप कि इसमें आर रेडियस क्या है, इसमें रेडियस ओए है ना, ओए रेडियस है, ओबी रेडियस है, ओसी रेडियस है और ओडी रेडियस है, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट आप ए बी सी और डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, देखो पॉइंट ए, देखो ओए हमारा रेडियस है ना, और वो कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है, इसका मतलब ओए विल बी 1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 0, इट इज क्लियर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, 0, बिकॉज ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो 0 होगा इसका, और चूंकि ओए कितना है 1, तो दैट इज 1, 0। ऐसे ही पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स 0 और वाई विल बी 1। सिमिलरली ध्यान दो, ये सी जो पॉइंट है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो देखो ओए इक्वल टू ओसी, डिस्टेंस तो हमेशा इक्वल ही रहेगी, लेकिन चूंकि ये पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए ये जो सी पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1, 0, क्लियर है। क्योंकि देखो ओ बी ओ ए ओ सी और ओ डी तो रेडियस है, जब रेडियस बोलेंगे तो 1 यूनिट, लेकिन जब इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये बताना पड़ेगा ना कि किस डायरेक्शन में है, और ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0। सिमिलरली डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, -1, क्योंकि तो आपको ही पता है ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस, ओके, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, स्टार्टिंग से हमने क्या किया, फर्स्ट वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आफ्टर दैट टेक ओ एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 1 यूनिट रेडियस, ओके। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कुल मिलाकर 4 पॉइंट पे कट किया है, ए बी सी डी, तो सबके मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिए, 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1, ठीक है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, अब करना क्या है, जैसे हम लोगों ने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक पॉइंट पी लिया था वैसे ही इसमें करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया है पी, ठीक है, पी से पी को किससे ज्वाइन कर दिया, ओ से, ठीक है, और पी से ओ एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइक दिस, ठीक है, सपोज इट इज एम, ठीक है। अब मान लो कि ये एंगल कितना है, कुछ भी ले सकते हो स्टूडेंट, एनीथिंग यू कैन टेक, आइदर यू कैन टेक एक्स, यू कैन टेक थीटा,
थीटा, तो सपोज आई एम टेकिंग थीटा, ठीक है ठीक है। अब करना क्या क्या है इसमें, अब मान लो कि जो OM डिस्टेंस है वो कितनी है, ए, OM डिस्टेंस ए, और ये PM डिस्टेंस कितनी है, बी। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये पॉइंट P X में A है और Y में B है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A कॉमा B, होगा इतना कर लिया हम लोगों ने, ये फिगर हो गया सारा। अब फिगर में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, करना क्या है आपको, जो जो आपने इंफॉर्मेशन बताई है वो पहले आप नोट कर लो। कैसे, लेट सर्कल विथ यूनिट रेडियस, ठीक है, लेट सर्कल विथ यूनिट रेडियस, लेट और ड्रॉ सर्कल विथ यूनिट रेडियस, यहां लिख लो ड्रॉ, आप ड्रॉ सर्कल विथ यूनिट रेडियस, ओके। तो रेडियस में क्या क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू वॉट, 1 यूनिट, इट इज क्लियर। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी विल बी ए कॉमा बी, ठीक है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना है, ए कॉमा बी, और ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी 1,0, कोऑर्डिनेट ऑफ बी विल बी 0,1, कोऑर्डिनेट ऑफ सी विल बी -1,0, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी विल बी 0,-1। ये सारी चीज जितने भी हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो सारी चीज हम लोगों ने लिख लिया है इसे, ठीक है। अब देखो, और एक चीज और हम लोगों ने एज्यूम किया है, लेट एंगल पी ओ ए भी लिख सकते हो या पी ओ एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। सो लेट एंगल पी ओ एक्स, सपोज आई एम एज्यूमिंग पी ओ एक्स और एंगल पी ओ ए बोथ आर सेम, इक्वल टू एक्स रेडियन, ये जो सॉरी थीटा रेडियन, एंगल पी ओ ए और पी ओ एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये जो थीटा है वो किसमें होगा, रेडियन में, आपको भी पता है, ठीक है, थीटा रेडियन लिख लो यहां पे, थीटा रेडियन, ठीक है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, इतना सारा आपने इंफॉर्मेशन लिख लिया, ये चीज चाहो तो मैं डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन इसको प्रूफ समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये वाला फिगर में रहने दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, ओके। ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब एक बात बताओ मुझे, ट्राइंगल ओ एम सॉरी पी ओ एम इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ना, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल पी ओ एम इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एंड बाय सीइंग दिस एंगल वी कैन से थीटा इज एक्यूट एंगल ना, तो हम लोग पी ओ एम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से स्टूडेंट मुझे एक चीज बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू किसकी बराबर होगी, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है पीएम एंड हाइपोटेन्यूज इज ओपी, ठीक है। अच्छा अब जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर देते हैं, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, साइन थीटा विल बी इक्वल टू PM वैल्यू इज बी एंड OP इज 1, बिकॉज OP इज रेडियस ना, OP इज रेडियस, सो दैट विल बी 1 ओनली, क्योंकि हम लोगों ने जो सर्कल ड्रॉ किया है वो यूनिट रेडियस का ड्रॉ किया है। तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन 1 या साइन थीटा इक्वल टू बी, ठीक है, या बी इक्वल टू साइन थीटा, बी इक्वल टू साइन थीटा, ओके। सिमिलरली स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट कॉस थीटा ऑल्सो ना, सो वट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, वट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस इस ट्रायंगल में पहले हम लोगों ने साइन थीटा निकाला, अब कॉस थीटा निकाल लें, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट मीन्स दैट ओ एम अपॉन
ओपी ठीक है। ओएम कितना है स्टूडेंट? ओएम है हमारा ए एंड ओपी इज ऑल्सो वन, तो यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? ए, यानी कि ए इक्वल टू कॉस थीटा ठीक है। इक्वेशन नंबर टू ठीक है, पहला है बी इक्वल टू साइन थीटा, दूसरा है ए इक्वल टू कॉस थीटा। अब एक काम करो स्टूडेंट, इन दोनों को इस क्वेश्चन का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो। तो जब पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और जब दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो वी कैन राइट ना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वी कैन राइट ना, और इन सीक्वेंस वी कैन राइट। एक काम करते हैं, नीचे लिख लेते हैं इसको। सपोज आई एम गोइंग टू डू द स्क्वायरिंग ऑफ दीज टू इक्वेशन सेपरेटली, तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और फिर दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू हम कह सकते हैं ना कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? वन। सो यहां से ये निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल गई ठीक है। तो पहले आप इतना लिखो, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट ओके। याद रखना कि बी की वैल्यू साइन थीटा के बराबर है, ए की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर है, इतना याद रखना है आपको। अब मैं ये सारे पार्ट इरेज करने जा रहा हूं ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, बी की वैल्यू क्या मिली थी हमें? साइन थीटा, एंड ए की जो वैल्यू मिली थी वो हमको कॉस थीटा मिली थी ठीक है। इसको आप ऐसे ले सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू बी एंड कॉस थीटा इक्वल टू ए। यहां से हमें ये मिला था, इक्वेशन वन और टू से हमें ये एक्सप्रेशन मिला था। अब ध्यान दो स्टूडेंट, पहले आप एक चीज सुनो, जितने भी एंगल पाई बाय टू के मल्टीपल होते हैं, पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय टू होता है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ठीक है। तो जितने भी एंगल पाई बाय टू के मल्टीपल होते हैं उसे क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंटल, क्वाड्रेंटल, क्वाड्रेंट में ए एल जोड़ देना तो क्वाड्रेंटल बन जाएगा ठीक है। तो ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, आप नोट्स में लिख लेना, द एंगल विच आर द मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू इज नोन एज क्वाड्रेंटल एंगल। अब देखो ध्यान से, पहला जो क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट मैंने आपको बताया था वो 0 से लेकर 90 डिग्री होता है, दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है वो 90 डिग्री से लेकर 180 होता है, तीसरा जो होता है वो 180 से लेकर 270 डिग्री होता है, और चौथा जो होता है वो 270 से लेकर 360 डिग्री होता है ठीक है। याद रखना ये चीज, पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री होता है ठीक है। 0 कहां पर होगा? 0 डिग्री कहां पर होगा? x एक्सिस पर, और 90 डिग्री कहां पर होगा? y एक्सिस पर ठीक है। सिमिलरली दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है, मतलब कि 90 डिग्री यहां होगा, 180 डिग्री यहां होगा ठीक है। सिमिलरली तीसरा जो होता है वो 180 से 270, और चौथा 270 से 360। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो इस रेफरेंस एक्सिस को मैं 0 डिग्री लिख दे रहा हूं, इसको लिख दे रहा हूं मैं 90 डिग्री, इसको लिख दे रहा हूं मैं 180 डिग्री, इसको लिख दे रहा हूं मैं 270 डिग्री ठीक है। अभी मैंने बताया 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को पाई बाय टू बोलते हैं, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, 270 को 3 पाई बाय टू बोलते हैं, और 0 डिग्री पे जब तुरंत लौट आओगे तो वो यहीं पे क्या बनता है? 360 डिग्री ठीक है।
बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखना, 0, 90, 180, 270 और फिर यहां पर 360, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जब हमने ये सर्कल ड्रॉ किया था, देखो ये ए है ना, ए, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक जा रही है स्टूडेंट, ए की, ए कहां है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो इस सर्कल तक ही तो जा रही है, तो यानी कि जो ए की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 तक जा रही है। समझ में आ रहा है? देखो ए कहां पर है, एक्स एक्सिस पे। जब सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया था तो सर्कल का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा था, यहां तक ना, ओ से लेकर ए तक, तो एक्स एक्सिस में सर्कल मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है, ए तक, इसका मतलब रेडियस तक। तो मुझे एक बात बताओ, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कहां तक हो सकती है, 1 तक, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, ये वाला रेफरेंस क्या है, 0 डिग्री, ये वाला पॉइंट रखना, ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर है, बी की वैल्यू साइन थीटा के बराबर है, तो अब देखो अगर अगर ये वाला एंगल 0 हो जाए, ये वाला एंगल अगर 0 हो जाए, तो इसमें केस में क्या होगा कि जो कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस 0 अगर जो होगा उसमें क्या होगा स्टूडेंट, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। क्यों 1 के, क्योंकि जब ये टर्मिनल साइड इस पे आ जाएगी तो 0 डिग्री बनेगा। देखो 0 डिग्री कब बनता है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाती है, एक रे के ऊपर दूसरी रे ओवरलैप कर जाएगी एक ही डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट जो पी है वो ओ पे जब आ जाएगा तो 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। पहले क्या था, एंगल पी ओ ए थीटा था, लेकिन जब पी वाला पॉइंट ए पर आ जाएगा, मान लो टर्मिनल साइड इनिशियल साइड पे आ जाएगी, तो 0 डिग्री बनेगा। और जब 0 डिग्री बनेगा तो ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसमें केवल ए ही बचेगा, इसमें क्या बचेगा, केवल बेस ही बचेगा, ठीक है, हाइट नहीं बचेगी। और एक बात बताओ, ये जो वैल्यू थी ओ ए वो किसके डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में था, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो कॉस थीटा की जो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस केस में, ए की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वो क्या होगी, 1, कब, when theta will be 0, a will be 1, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ इस केस में cos 0 की वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक है। अब देखो समझो जरा बात को ध्यान से, cos 0 कितना आ गया, 1। अब ध्यान से सुनो, आपको ये पता है कि cos 0 कितना होता है, 1। अब इसी तरह हमको sin की वैल्यू निकालनी है, sin की। अब देखो ध्यान से, sin थीटा किसके बराबर था, b के, sin थीटा किसके बराबर है, b के। और जब 0 डिग्री बनेगा स्टूडेंट तो परपेंडिकुलर तो गायब हो जाएगा ना, जब ये वाली रे OA पे आ जाएगी तो परपेंडिकुलर गायब हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब 0 डिग्री होगा तो b कितना हो जाएगा, 0, when थीटा विल बी 0, ठीक है। जब थीटा 0 हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर 0। और अगर b 0 हो गया, इसका मतलब sin 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्चुअल है। देखो 0 डिग्री कब बनता है, जब एक रे के ऊपर दूसरा रे कोलाइड कर जाए एक ही डायरेक्शन में। देखो जब ये OP OA पे कॉन्साइड कर जाएगा तो यानी कि उस केस में परपेंडिकुलर गायब हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, बेस। और बेस मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 1 तक। बेस जो है वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 1 तक। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब, और बेस हमारा था क्या, ए, तो जो ए है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1 तक। और a की जो वैल्यू थी वो cos थीटा के बराबर थी, यानी कि cos 0 will be equal to 1 when theta will be 0। ऐसे ही जब 0 डिग्री बनेगा तो परपेंडिकुलर गायब हो जाएगा, तो जब परपेंडिकुलर गायब हो जाएगा यानी कि b हमारा कितना हो जाएगा, 0। और जो b है वो sin के बराबर है, sin थीटा के बराबर है, तो b कब 0 हो रहा है, b 0 तब हो रहा है जब थीटा कितना हो गया था, 0। तो इससे ये पता चला कि sin 0 equal to 0, ठीक है। इतना हो गया, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान समझना इसको। अब देखो ये तो बात हुई कब, जब साइन कितना था, जब हमने एंगल लिया था थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, मान लो 90 डिग्री कब बनेगा, जब ये पी वाला पॉइंट बी पर आ जाएगा, जब पी वाला पॉइंट किस पे आ जाएगा, बी पे, ठीक है। पी वाला पॉइंट किस पे आ जाएगा, बी पे, ठीक है। तो when theta will be 90 student,
थीटा विल बी 90 डिग्री, या इन रेडियन हम कह सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन। तो उस केस में देखो ये P वाला पॉइंट B पर आएगा, P वाला पॉइंट किस पर आएगा, B पर आएगा। अब ध्यान दो स्टूडेंट, अभी को मैंने बताया था आपको कि P वाला पॉइंट B पर आ जाएगा, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हमारा B था, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, OB तक, यानी कि 1 तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि OB में कितना है 1, ये सारे 1-1 थे, सब कुछ 1-1 था, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो अब देखो A की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी स्टूडेंट, cos थीटा के बराबर थी, ठीक है, A की जो वैल्यू थी वो cos थीटा के बराबर थी। अब अगर थीटा कितना हो गया, अब अगर थीटा कितना हो गया पाई बाई टू या 90 डिग्री, ठीक है, थीटा अगर कितना हो गया पाई बाई टू, तो अब ध्यान दो जब ये पाई बाई टू हो जाएगा तो ये P वाला पॉइंट y एक्सिस पे आ गया, P वाला पॉइंट B पर आ गया, तो इसका मतलब A हमारा कहां था, A हमारा x एक्सिस पे था और P वाला पॉइंट B पर आ गया, इसका मतलब y एक्सिस पे हमको ही पता है कि जितने भी x कोऑर्डिनेट होते हैं वो जीरो होते हैं, और A हमारा x एक्सिस पे आ रहा था, इसका मतलब पॉइंट B पर A तो कुछ होगा ही नहीं, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट जीरो आया है तभी तो यहां पे जीरो आया है, क्योंकि A तो इसमें है ही नहीं। तो अब देखो यहां से A की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो इसीलिए कहते हैं पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई टू इक्वल टू जीरो, इसको आप cos पाई बाई टू भी ले सकते हो या cos 90 ले सकते हो। सिमिलरली अब ध्यान दो B इक्वल टू क्या है, sin थीटा, ठीक है। अच्छा इस वाले पॉइंट पे देखो, क्योंकि इसी वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बनता है, अब इस वाले पॉइंट पे जो B है वो मैक्सिमम कितना जा रहा है, 1 तक ना, तो यहां से B की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई 2, तो इसका मतलब sin पाई बाई 2 इक्वल टू 1, आपको ये चीज पता है, पता है ना, sin cos 90 कितना होता था, 0, और sin 90 कितना होता था, 1, ठीक है। तो अब ये लिख लो आप, ऐसे हम लोग सारे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है, पहले 0 के लिए निकाला, फिर 90 के लिए निकाला, अब किसके लिए निकालेंगे, 180 के लिए, सो नोट डाउन इट, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट, ओके, नाउ सी, बस आपको ध्यान देना है ए और बी, ए जो है वो cos थीटा के बराबर है और बी जो है वो sin थीटा के बराबर है, इतना ध्यान देना है। अब देखो जब थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री या पाई रेडियन, 180 डिग्री या पाई रेडियन, ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे पाई रेडियन कब होगा, जब यहां पर होगा, इस एक्सिस पे होगा, ठीक है, ऐसे ही देखो इस एक्सिस पे जब होगा तो पाई बनेगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो अगेन देखो 180 डिग्री कैसे बनता है स्टूडेंट, ऐसे बनता है ना, ठीक है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, इस वाले पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0 ना, -1, 0, ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट, ये आपको ही पता है, ठीक है। और x किसके बराबर था, लगभग a के बराबर था, और y जो था वो b के बराबर था, ठीक है। तो जब ये वाला पॉइंट c पर आ जाएगा स्टूडेंट, जब p वाला पॉइंट c पर आ जाएगा, तो इसका मतलब उस केस में परपेंडिकुलर फिर से गायब हो गया, परपेंडिकुलर फिर से गायब हो गया, और क्या बचेगा, केवल बेस, और बेस कहां तक बचेगा, यहां से यहां तक बचेगा बेस। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इस केस में a जो होगा हमारा वो कितना होगा, -1, क्योंकि देखो यहां पे a है ना, इस डायरेक्शन में जब a था तो +1 आया था, और इस डायरेक्शन में जब a एक्सटेंड किया तो -1 आया था, तो a -1 आया था, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि, और a किसके बराबर था स्टूडेंट, cos थीटा के, और इस केस में थीटा कितना है, इस केस में थीटा कितना है, cos 180 लिखो या cos पाई लिखो, तो यहां पे a की वैल्यू -1, तो -1 जब पुट करोगे तो cos पाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1, ठीक है। ऐसे ही अब देखो यहां पर ये जो है, ये जो कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट वो x और y डायरेक्शन में होता है, यहां पर देखो x तो -1 था लेकिन y 0 है, और y के डायरेक्शन में क्या था, परपेंडिकुलर ना, y के डायरेक्शन में क्या था, परपेंडिकुलर, दैट इज b। तो जब b 0 होगा यहां पे, जब b 0 होगा तो इसका ये मतलब हुआ, और b बराबर किसके था, sin थीटा के, और थीटा यहां पर कितना लिया गया है, 180 डिग्री, तो 0 इक्वल टू sin पाई, पाई भी लिख सकते हो या डिग्री में लिखना चाहो तो 180, तो यहां से sin पाई जो आ जाएगा
वो आएगा जीरो, ठीक है। अब पाई यानी कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। अब खुद सोचो कॉस जीरो में जब होता है 1, और जैसे ही 180 कंप्लीट करोगे तो -1, फिर 180 कंप्लीट करोगे तो 1, फिर -1, 180 पे अपना साइन चेंज करता जाता है, साइन और कॉस दोनों, ठीक है। 180 डिग्री पे अपने अपने साइन चेंज कर देते हैं ये सब। आप देखो लास्ट, वेन थीटा विल बी स्टूडेंट, वेन थीटा विल बी इक्वल टू 270 डिग्री या 3π/2। तो अब इस केस में देखो ये वाला पॉइंट घूमते घूमते इस वाले पॉइंट पर आ गया, ठीक है। और इस पॉइंट पे ये क्या है हमारा वाई एक्सिस ना, तो वाई एक्सिस में ये ए तो जीरो होगा, तो यहां से हम कर सकते हैं ए विल बी जीरो, क्योंकि ए जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो वाई बी है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जीरो कब हुआ, जब थीटा 90 डिग्री था, सॉरी 270 डिग्री था। और ए किसके बराबर था स्टूडेंट, ए था हमारे कॉस थीटा के बराबर था, और ए जीरो है और थीटा यहां पे कितना है 3π/2, तो यानी कि कॉस 3π/2 विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही इस केस में तो केवल वाई एक्सिस पे बी आएगा, और बी किधर आएगा, नीचे आएगा नीचे, तो यानी कि बी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, -1। अरे ये देखो ए एक्स में था बी वाई में था, तो इस वाले पॉइंट पर केवल वाई ही है, और वाई में क्या था बी, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो बी की वैल्यू -1, और बी किसके बराबर था साइन थीटा के, और बी की वैल्यू -1 है कितने एंगल पर 3π/2, तो यानी कि साइन 3π/2 विल बी -1। थोड़ा सा टफ है स्टूडेंट, समझोगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्योंकि देखो ए की जो वैल्यू थी वो कॉस थीटा के बराबर थी, ए कब हो रहा था एक्स एक्सिस पे, बी कब हो रहा था वाई एक्सिस पे, ए की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर, वाई की वैल्यू साइन थीटा के बराबर, बी की वैल्यू सॉरी, तो यहां से हमें मिल गया। अब मान लो स्टूडेंट हमें 360 का निकालना है, ठीक है। आपको पता है ना जब हम लोग एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं स्टूडेंट, तो आदमी उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, जैसे कि आप कह रहे ना कि आप एक चक्कर लगा के आओ, तो जब आप एक कंप्लीट चक्कर लगाते हो तो आप इनिशियल उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हो। तो इसका मतलब साइन जब थीटा 360 होगा, जब थीटा स्टूडेंट क्या होगा, व्हेन थीटा विल बी 360 डिग्री, और 360 डिग्री को 2π बोलते हैं, तो जब ये पॉइंट घूमते 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 होगा तो उसी पॉइंट पे आ जाएगा ना, तो यानी कि ये ए पे ही आ जाएगा। जब ए से स्टार्ट करोगे आप, और पहले हम लोगों ने ए से स्टार्ट किया था, ए पे 0 डिग्री था, बी पे 90 था, सी पे 270 था, डी पे 270 था, और फिर से जब ए पे जाओगे तो फिर से क्या हो जाएगा, उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वैल्यू कॉस 0 की होती है वही वैल्यू साइन कॉस 360 की भी होती है। तो यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कॉस 0 डिग्री, सॉरी कॉस 2π विल बी इक्वल टू कॉस 0। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री पे पॉइंट ए पे ही रहेगा और 360 डिग्री पे भी पॉइंट ए पे ही रहेगा, तो जो वैल्यू कॉस 0 की होगी वही कॉस 2π की होगी, तो कॉस 2π विल बी व्हाट 1, एंड साइन 2π विल बी साइन 0, तो साइन 2π विल आल्सो 0, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा टफ है लेकिन समझ में आ जाएगा अगर ट्राई करोगे तो, एनसीईआरटी बुक देखना है एक बार, समझ में आएगा आपको कि कैसे हो रहा है चीजें, ठीक है। अगर आप पी पॉइंट से स्टार्ट करोगे और पी पे ही आ जाओगे तो कितना एंगल बनेगा, 360 बनेगा, घूमते घूमते अगर आप पी पे ही आ गए तो कितना बनेगा 360। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी एंगल में हम लोग 360, अगर कोई एंगल 2π का रोटेशन ले रहा है तो अगर उसमें कुछ एंगल इंक्रीज कर दो या माइनस कर दो तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसी पे आ जाता है।
तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आपने नया क्या पढ़ा है? आपने नया पढ़ा है 80 डिग्री की वैल्यू, 180 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि 90 तक तो आपको ऑलरेडी पता था, 90 तक आपको ऑलरेडी पता था। आपने 180 पढ़ा, 270 पढ़ा, 360 पढ़ा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है थोड़ा लंबा, ठीक है, तो इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि आपको ये बोरिंग लगेगा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि ए की वैल्यू, हमने जब स्टार्टिंग में प्रूफ स्टार्ट किया था, तो ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या आई थी? ए की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर आई थी, और बी की वैल्यू किसकी आई थी? साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो अब थीटा पे ही वैरी करेगा ए और बी, ए की जो वैल्यू है वो थीटा पे ही वैरी करेगा, ठीक है। जब थीटा जीरो होगा तो वो एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है। थीटा जब जीरो होगा तो वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई पॉइंट इस सर्कल के हिसाब से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है। तो यानी कि ए की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहां तक होगी? ओ ए तक। यानी कि ए की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए 1 तक होगी, केवल 1 तक। ए की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कहां तक होगी? 1 तक, क्योंकि 1 इसका रेडियस है, ठीक है। अच्छा, और ए किसके बराबर था? कॉस थीटा के बराबर था। तो अगर ए की वैल्यू 1 है तो 1 कब हो रही है? जब 0 डिग्री बन रहा है, इसीलिए कॉस 0 पे कितनी वैल्यू आई थी? 1। इसी तरह जब साइन के निकालोगे तो साइन की वैल्यू इस एक्स एक्सिस पर, अगर आपने केवल एक्स एक्सिस लिया, यही वाला पॉइंट लिया, 0 डिग्री लिया, तो जब 0 डिग्री बनता है स्टूडेंट, तो उस केस में कोई परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं। मैंने आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का प्रूफ बताया था क्लास 10th में, कि कैसे साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, ये मैंने बताया था। तो जब 0 डिग्री बनेगा तो परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं, और जब परपेंडिकुलर नहीं होगा इसका मतलब ये जो बी वाला पार्ट है ये तो गायब होगा, और बी की जो, अगर बी गायब होगा तो बी की वैल्यू 0 होगी, जैसे कि यहाँ पे 0 आया है, 1,0। ये 0 किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। तो बी 0 होगा, और बी 0 कब हो रहा है? जब एंगल कितना बन रहा था? 0 डिग्री। और बी की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी? साइन थीटा की। बी 0 आया है और एंगल कितना बन रहा था? 0। तो इसीलिए साइन 0 कितना होता है? 0, ठीक है। ऐसे ही 90 पे, जब 90 पे निकाला तो 90 पे परपेंडिकुलर तो रहेगा, बेस ही नहीं रहेगा। तो जब बेस नहीं रहेगा इसका मतलब इस केस में नाइन, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो यानी कि हमारा जो बेस ए था बेस होगा ही नहीं, और ए जो था वो किसके बराबर था? कॉस थीटा के बराबर था। तो कॉस थीटा 0, और थीटा कितना है यहाँ पे? 90। तो कॉस 90 कितना आता है? 0। सिमिलरली जब, और इस केस में जब 90 डिग्री होगा तो वहां पे केवल परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा सकता है? 1 डिस्टेंस। तो यानी कि बी की वैल्यू 1 होगी, और बी किसके बराबर था? साइन थीटा के, और थीटा कितना है? 90। तो साइन 90 विल बी 1। ऐसे ही मैंने सबका बताया है, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिवाइज करना, आगे मैं और बताऊंगा इसको, अभी के लिए, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो आप वैल्यू सारी याद कर लेना, 90 तक आपको ऑलरेडी पता है। जानते हो 180 डिग्री के रोटेशन पे अगर कोई कोई पॉइंट 180 डिग्री रोटेट करता है ना, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब जैसे देखो, ध्यान दो याद करने का तरीका, कॉस 0 कितना आता है? 1। कॉस 0 कितना आता है? 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी है? 1। तो जब 180 रोटेट किया तो वो कितना हो गया? -1। समझ में आ रहा है? ऐसे ही साइन 90 कितना होता है? साइन 90 कितना होता है? 1। और साइन 90 बी के बराबर था, अरे जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो केवल परपेंडिकुलर ही होगा, तो यानी कि केवल बी वाला पॉइंट ही रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो केवल उसके से परपेंडिकुलर रहेगा, और जब परपेंडिकुलर रहेगा तो बी की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाएगी, और बी हमारा किसके बराबर था? साइन थीटा के, और बी 1 है और थीटा कितना है? 90। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो, साइन 90 कितना था? यहाँ पे 90 डिग्री होता है तो साइन 90 1 था, तो इसमें 180 और ऐड कर दो। मैंने बताया ना कि 180 डिग्री के रोटेशन पे साइन चेंज हो जाता है, तो साइन 90 अगर 1 था तो साइन 270 कितना आया था? -1, यानी कि साइन 3π/2। समझ में आया? अब याद करने का तरीका, कोई भी एंगल जब 180 डिग्री से रोटेट करता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई भी एंगल जब 180 डिग्री से रोटेट करता है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है। जैसे
साइन 90 तुमने निकाला था कितना, 1। तो अगर इसी में 180 और ऐड कर दोगे, यानी कि साइन 270 जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -1। ऐसे ही जब कॉस 0 निकाले थे तो कितना आया था, 1, और जब इसी में 180 ऐड कर दोगे तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1। ऐसे ही सारा है, ठीक है। और एक चीज और, अगर कोई पॉइंट 360 डिग्री रोटेट करता है तो वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। इतना आप याद रखो, रिमेनिंग अभी बहुत सारी चीजें बची हैं इसमें, दो तीन क्लास में और लूंगा समझाने के लिए। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे आई थिंक 3.2, ठीक है। मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 14 पीरियड्स चाहिए, या आई थिंक फिफ्थ पार्ट है, अभी 7-8 पार्ट और होंगे, तो पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा मत, सब समझ में आएगा, ठीक है। बस जो कहे हैं उसको समझते जाइएगा, एक बार रिवाइज जरूर करना खुद से, ठीक है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा नया है ये, ठीक है। तो रिमेनिंग थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।